हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। तो फ्रेंड्स देखंतु ओडिशा कृषि ऑफिस तरफ पुणी थरे एक बहुत बड़ निजुक्ति आसी अछि। जदि आपण माने दशम प्लस टू किंबा प्लस थ्री टीए जदि कंप्लीट करथिबे तेबे एथिरे डिफरेंट टाइप रा पोस्ट अप्लाई करि परिबे। फ्रेंड्स देखि परथिबे जे एथि पई कोनसी प्रकार परीक्षा नाही, नो एग्जाम रहिबो, केवल आपणकर मार्क अनुसार ही आपण केथिरे सिलेक्शन करा जिवो, एथिरे इंटरव्यू भी रहिबो। पिला माने देखंतु जदि सिलेक्शन भी पाउछंती तो मंथली बेसिस रे आपण माने एथिरे 24,000 टंका पर मंथ सैलरी पाई परिबे, जहाँ कि एक बहुत भल सैलरी रहिबो। एथिरे ओडिसा रो सबु जिल्ला रा पिला माने भी अप्लाई करि परिबे। फ्रेंड्स आपण माने एथिरे किपरि अप्लाई करिबे, अप्लाई करिवार फुल प्रोसेस मु आपणकु ए वीडियो शेष रे कहिबि। जदि आपण माने अप्लाई करिवा पई इंटरेस्ट रखुछंती तेबे ए वीडियो टिकु शेष पजन देखि नियंतु। चलंतु प्रथमे आलोचना करिने बा जे कौन रही यार ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी। फ्रेंड्स जदि आपण माने निज जिल्ला आसुथिबा एई भली नुआ नुआ सरकारी जॉब रा न्यूज पाया पई चाहुछंती तेबे हमरा चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं वीडियो टी को भी गोटिए छोटिया लाइक टी कर दियंतु। फ्रेंड्स देखंतु ए नोटिफिकेशन टी आसी ओडिशा कृषि ऑफिस बा आईसीएआर तरफ रु ए नोटिफिकेशन टी रिलीज होई। पिला माने देखंतु एही पोस्ट रे केउ माने अप्लाई करि परिबे, हु कैन अप्लाई, एथिरे ऑल ओडिशा रा पिला माने अप्लाई करि परिबे, आम ओडिशा रा सबु जिल्ला रा पिला माने एही पोस्ट अप्लाई करि परिबे। जेंडर टी भी बोथ मेल एंड फीमेल रहिछि, उभय पुरुष ओ महिला प्रार्थी माने भी एही पोस्ट अप्लाई करि परिबे। जदि आमे जॉब टाइप कथा कहिबा तबे एहा को सरकारी चाकरी रहिबो, गवर्नमेंट जॉब रहिबो, ओडिशा भितर ही पोस्टिंग टी रहिबो। एहा प्रासुचि पोस्ट नेम। तो फ्रेंड्स देखंतु एथिरे दुई प्रकार पोस्ट में वैकेंसी रही है। प्रथम तो एथिरे जीए बा ग्रेजुएट असिस्टेंट पे पोस्ट रहिबो एवं एग्रीकल्चर फील्ड ऑपरेटर पे पोस्ट रहिबो। आपणकर जदि प्लस थ्री क्वालिफिकेशन थिबो किंबा मैट्रिक प्लस टू थिबो तबे अप्लाई करि परिबे। देखिनियंतु जे क्वालिफिकेशन कोन रहिबो। फ्रेंड्स जदि आपणकर मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक सहित प्लस टू पास थिबो किंबा आपण माने जदि प्लस थ्री बा ग्रेजुएशन टी कंप्लीट करथिबे तबे एही पोस्ट में अप्लाई करि परिबे। इहा पर देखंतु एथि पई कोन सब सैलरी बा दरमा रहिबो। जदि आपण माने ग्रेजुएट असिस्टेंट अप्लाई करछंती तो एथि पई आपणकर 24,000 पर मंथ बा 2400 टंका प्रति मास आपण केथि दरमा मिलि परिबो। जदि आपण माने एएफओ बा आपण जदि एग्रीकल्चर फील्ड ऑपरेटर पोस्ट अप्लाई करछंती तो एथि आपणकर 18,000 टंका पर मंथ सैलरी रहूची। आपण माने एथिरे 18,000 टंका स्टार्टिंग रे दरमा पाई परिबे। पिला माने जानि परिले जे केउ पोस्ट में कौन सब सैलरी बा दरमा रहिबो से अनुसार आपण माने एथिरे अप्लाई भी करि परिबे। एहा पर आसुचि एप्लीकेशन फी। तो फ्रेंड्स देखंतु एथि पई कौन सब एप्लीकेशन फी रहिबो। एथि पई तो नो फी रहिछि, आपण के एथिरे कोनोसी प्रकार एप्लीकेशन फी पे करिवार आवश्यक नाही, संपूर्ण रूपे फ्री रे एही पोस्ट अप्लाई करि परिबे। जदि आपणकर कास्ट जनरल ओबीसी किंबा ईडब्ल्यूएस जे कोनोसी कास्ट भी जदि आपण माने होइथिबे तबे किछि भी असुविधा नाही, कारण समस्त फ्री रही मागणा ही समस्त अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आसूँ एज लिमिट। तो फ्रेंड्स देखो एथिपाई कौन सब एज लिमिट रही आपणकर मिनिमम एज टी 18 वर्ष बयस हो जा तेरे पोस्ट अप्लाई करें। मैक्सिमम एथिरे 18 रु 35 वर्ष बयस, देखो मिनिमम तो 18 रही मैक्सिमम एथिरे 35 इयर्स रहा। छड़ा ओबीसी एससी एसटी एवं फिजिकल हैंडीकैप्ड पिलामानंकु एथिरे अतिरिक्त ए सुविधा भी मिल पारिबो। तो पिला माने एहा थिला यार एज लिमिट विषय इनफॉरमेशन। जदि आपणकर एज होतिबो तबे से अनुसार भी अप्लाई करि पारिबे। देखंतु दुईटी पोस्ट पई एज आपणकर डिफरेंट रहिछि। ग्रेजुएट असिस्टेंट पई मिनिमम 21 रहिबो, कारण जानिथिबे जे प्लस 3 पास पोस्ट पई 21 रहूछि एवं एएफओ पोस्ट पई बा एग्रीकल्चर फील्ड ऑपरेटर पोस्ट पई 18 वर्ष मिनिमम बयस रहिबो, कारण मैट्रिक पास जॉब रहिछि एथि पई 18 वर्ष रहिबो। यहाँ पर देखंतु एथिपाई कौन सब सिलेक्शन प्रोसेस रहिबो। एथिपाई तो नो एग्जाम रही आपण के कौन सी प्रकार एग्जाम नाही, केवल इंटरव्यू द्वारा ही आपण के सिलेक्शन करा जिवो। यहाँ पर आपण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बा सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन रहिबो। तो फ्रेंड्स यही सब प्रोसेस द्वारा ही आपण माने सिलेक्शन पाई परिबे, आपण के अन्य कौन सी टेस्ट देबार आवश्यक नाही। तो जानिदे सिलेक्शन प्रोसेस विषय में नेक्स्ट होउछि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो फ्रेंड्स देखंतु जेतेबेले अप्लाई करिवे अप्लाई कला समय किछि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रा आवश्यक पड़िबो। जदि आपण पाखरे ए सब डॉक्यूमेंट नथिबो
तेज आप्लाय कला समय आप फर्म टी रिजेक्ट हो पाए इंटरव्यू आप रिजेक्ट हो पारती एर चेक करने कौन कौन सब डॉक्यूमेंट आवश्यक पड़े। प्रथम तो रही है आपंकर ऑल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और तार मार्कसीट एर आप मैट्रिक रु आरंभ कर जो पोस्ट में भी अप्लाई करने चाहते से पोस्ट में जहाँ भी क्वालिफिकेशन मेंशन थी हाइस्ट तो ये ग्रेजुएशन अच्छी तो जदि आप ग्रेजुएशन थी तो से अनुसार समस्त क्वालिफिकेशन ओरिजिनल सहित जेरॉक्स कॉपी को भी साथ नहीं जाइए। यह पास होगी फोटो कास्ट सर्टिफिकेट आईडी प्रूफ तो पे देखते कास्ट सर्टिफिकेट जदि आपंकर कास्ट एससी एसटी कि फिजिकल हैंडिकैप किसी होती है तेज ही कास्ट सर्टिफिकेट आवश्यक पड़े। जदि आपने जनरल मेंशन करूँ तो किसी भी कास्ट सर्टिफिकेट आवश्यक पड़े ना। आईडी प्रूफ आधार भोटर पान कार्ड तीनो ऑप्शन अच्छी जहाँ भी आपंकर आईडी प्रूफ थी से आईडी प्रूफ टी सबमिट करेंगे तो पे मिनिमम यही सब डॉक्यूमेंट गुड़ी आवश्यक पड़े जितेबाला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आसूँ आप्लिकेसन मोड ए तो ऑफलाइन प्रोसेस रोक वाक इन इंटरव्यू रही आपने डायरेक्ट जाइए इंटरव्यू अटेंड करेंगे। तो फ्रेंड्स चलते आलोचना करवा जे आपने किपर ए अप्लाई करेंगे अप्लाई करार फुल प्रोसेस टी मुझे कह पाने आपरे किपर अप्लाई करेंगे अप्लाई करार फुल प्रोसेस टी मुझे कह एपने भिडियोटी को शेष पर्यटन देखने वे। प्रथम आपने निज मोबाइल या गूगल टी को ओपन करेंगे ओपन कलापर आप सर्च बॉक्स ऑप्शन टी सो हेबो सिंपली आपने क्लिक कर सर्च करेंगे कौन सर्च करेंगे सिंपली टाइप करेंगे ओडिशा देन स्पेस लिखे जिओ भिटी देन स्पेस लिखे जॉब देन लिखे डॉट देन लिखे इन। फ्रेंड्स देखिपे जेठे मुझे कौन टाइप कली सिंपली आपने यही टाइप करेंगे टाइप कलापर पाखर थी सर्च बटन उपर क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स देखो क्लिक कलापर आपण सम्मुखें ओडिशा जिओ भिटी जॉब्र यही साइट ओपन हो पाने देखूँ डॉट इन जदि आप देखा मिले तेज से ही साइट उपर क्लिक करेंगे कारण गूगल यही टाइप डिफरेंट फेक साइट भी शो तो आपन को प्रथम जो साइट शो हे सिंपली से क्लिक करेंगे तो सिंपली क्लिक करूँ। फ्रेंड्स क्लिक कलापर आप रेड कलर एक ओडिशा जिओ भिटी जॉब्स लगटी शो हे प्लस आपण को यही एक सैट देखा सिंपली तलक तलक स्क्रल करेंगे आपण को यठे भिन्न भिन्न कैटेगरी अनुसार जॉब्र ऑप्शन गुड़िक शो हे आपने निजर क्वालिफिकेशन अनुसार भी अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स टी तौक आसवे एठे मोर जॉब्स एक ऑप्शन टी देखा मिल जहाँ भी नुआ नुआ वैकेंसी आसी थाए तहार अपडेट आपठे देखा मिल तो देखो प्रथम आपड़ा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन टी शो हो तो सिंपली आपने क्लिक करूँ। देखो पे क्लिक कलापर आपंक किसी शो हे आपको यही जॉब्र फुल इनफर्मेशन शो हे जपरिक ऑर्गेनाइजेशन नेम कौन रही जॉब टाइप कौन प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्यों रही इंटरव्यू डेट केवे रही आपंकर 18/6/2024 रु 28/6/2024 पर्यंत इंटरव्यू डेट क्वालिफिकेशन तो कही सारी सैलरी विषय कही सारी एवं देखने अप्लाई किपर करेंगे पे देखूँ जदि आपने मैट्रिक सहित प्लस टू पास कर वोकेशनल स्ट्रीम तो एफ ओ पोस्ट अप्लाई करेंगे जदि आपने देखते दुईट लिंक अच्छी गोटे लिंक हूँ एफ ओ पर अन्य लिंक हूँ ग्राजुएट आसीस्टेंट। तो फ्रेंड्स देखो आपको प्रथम एफ ओ नोटिफिकेशन टी देखा मिले एथि टाइपिंग मिस्टेक अच्छी यहाँ हूँ आपंकर सेकेंड हूँ ग्राजुएट आसीस्टेंट फर्स्ट लिंक हूँ आपंकर एग्रीकल्चर फिल्ड ऑपरेटर एफ ओ शेष आपको बायोडाटा फॉर्म आपको एप्लीकेशन फॉर्म रो लिंक मिल तो प्रथम आपने एफ ओ लिंक क्लिक करूँ तो पिला देखते क्लिक कलापर आपखे ये किसी शो हे आईसीआर कटक ओडिशा तरफ आसीबा नोटिफिकेशन टी आपको देखा देखिपे क्यों पोस्ट में वैकेंसी रही है एफ ओ आपंकर एग्रीकल्चर फिल्ड ऑपरेटर पोस्ट में वैकेंसी रोक दरमा ये आप 18,000 पर मंथ सैलरी रही क्वालिफिकेशन देखते कौन रही जदि आपने मैट्रिक सहित प्लस टू पास करेंगे क्यों स्ट्रीम ना वोकेशनल स्ट्रीम तेज अप्लाई करेंगे किंवा जदि डिप्लोमा पास करेंगे क्यों थे ना एग्रीकल्चर रिलेटेड किसी सब्जेक्ट तेज अप्लाई करेंगे किंवा देखो और भी एक क्वालिफिकेशन अच्छी कौन अच्छी ना मैट्रिक पास करेंगे यह सहित टू इयर्स एक्सपीरियंस थी क्यों थे ना एग्रीकल्चर रिलेटेड आपंकर सब्जेक्ट तेज अप्लाई करेंगे। तो पे बुझीपारे मैट्रिक सहित प्लस टू पास करते भी अप्लाई करेंगे किंवा खाली मैट्रिक पास करते भी अप्लाई करेंगे कि एक्सपीरियंस आवश्यक पड़े केवल मैट्रिक पास पाला एज देखु 18-50 र डेट ऑफ इंटरव्यू आप 28/6/2024 रही प्लेस ऑफ इंटरव्यू और पोस्टिंग ऑफ प्लेस ऑफ पोस्टिंग कटक रही कटक ओडिशा रही।
बाकी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन अछि चेक कर नेबे सिंपली बे बैक आसंतु आपन तो पढ़ी सारे यह विषय एबे बैक आसीबे देखंतु एबे एथरे अप्लाई किपर करिवे आपन माने तो यार इन्फॉर्मेशन पढ़िले जे इंटरव्यू केउंटी हेबो केते वैकेंसी रही छि सैलरी कोन रही छि एबे देखंतु अप्लाई किपर करिवे अप्लाई रे प्रोसेस टी कहिबे एहा परे म आपन को ग्रेजुएट असिस्टेंट विषय कहिबे। तो फ्रेंड्स देखंतु शेष रे आपन को बायोडाटा फॉर्म रो लिंक देखबा को मिलिबो तो सिंपली एथरे क्लिक करंतु तो पे देखो क्लिक कलापर कि समय लोड हो पीडीएफ टी यहाँ पर ओपन हो तो पे देखु आपखे ये बायोडाटा फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म टी ओपन हो सिंपली फॉर्म टी को फिलअप करेंगे फोटो अटैच करेंगे जहाँ भी इनफर्मेशन मेनसन अच्छे सब फिलअप करेंगे फिलअप कलापर सिग्नेचर देते यहाँ पर डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे कौन सब मुझे जो पूर्व कही थी डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे यहाँ आप जो एड्रेस देखा मिलता सिंपली से एड्रेस इंटरव्यू अटेंड करेंगे। तो पे यही भाव में एफ पोस्ट अप्लाई करेंगे सेकेंड अच्छी आप ग्रेजुएट असिस्टेंट टाइपिंग मिस्टेक अच्छी सिंपली एवं लिंक टू पर क्लिक करूँ। तो फ्रेंड्स देखो से लिंक टू पर क्लिक कलापर आप सम्मुखें ग्रेजुएट असिस्टेंट नोटिफिकेशन टी देखा मिले सेम प्रोसेस रही है कि क्वालिफिकेशन डिफरेंट रही आपड़ी ग्रेजुएशन पास करेंगे बॉटनी जूलोजी कि आपंकर ईएस कि माइक्रोबायोलोजी तेज अप्लाई करेंगे बाकी सब सेम रही एज आप एक डेट ऑफ इंटरव्यू 18 रही। तो पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी सेम रही। तो फ्रेंड्स देखूँ अप्लाई किपर करेंगे से फॉर्म टी फिलअप करेंगे कारण दुईट जाक पोस्ट में गोटे फॉर्म रही। फ्रेंड्स यही भाव में ये पोस्ट गुड़िक अप्लाई करेंगे किसी भी डाउट थे कमेंट सेक्शन कमेंट कर जनपरेंगे।